हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, एकता सिंह डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मक्के के आटे से बड़ी बनाना बताएंगे, और आप उसको दही में भी डुबा के दही बड़ी भी बना सकते हैं। उसके लिए मुझे एक कटोरी मक्के का आटा चाहिए, एक कटोरी दही चाहिए, ये चटनी है, और ये बेकिंग सोडा है, ये चीनी है पिसी हुई, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, और काली मिर्च है, और भुना हुआ जीरा और काला नमक है, और ये अदरक है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाएं। सबसे पहले मैं एक कटोरी मक्के का आटा लूंगी बाउल में, इसको मैं पूरा डालूंगी। देखिए मक्के के आटे में ही मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा है जो, ये मैं डाल दे रही हूँ। देखिए चुटकी भर है, एक चुटकी के हिसाब से ये मैंने डाल लिया और इसको मिला लिया ताकि जो है मेरी बड़ी फूली फूली हो। अब उसमें मैं ये दही डालूंगी। देखिए पूरी कटोरी दही में डाल के इसको मिक्स करना है। फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये मक्के का आटा और दही मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक डालूंगी, जैसे आप उड़द की दाल में डालते हैं बड़ी बनाते समय अदरक डाल रही हूँ, और ये काली मिर्च डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा जीरा है, हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। बस इसको मिक्स करके फटाफट मुझे बड़ी इसकी निकालनी है। देखिए ये पहली बार ही आप लोग खा रहे होंगे मक्के के आटे से बड़ी। मक्के के आटे में मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया है, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम कर रही हूँ। देखिएगा जब हल्का तेल गरम हो जाएगा मैं फटाफट इसमें बड़ी निकालूंगी। 5 मिनट्स में आप इतनी जल्दी से बड़ी निकाल के गरम गरम बच्चों को खिला सकते हैं। देखिए ये देखिए, इधर मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है, और मैं एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रखी हूँ, इसी हाथ पे लगा के मैं गोल गोल इसकी बड़ियाँ निकालूंगी। देखिए धीरे धीरे गोल गोल, जैसे आप बड़ी जितने शेप की चाहिए, मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं पसंद है, छोटी छोटी हाथ में पानी लगा लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी बड़ी एक तरफ से हल्की सी सिक चुकी है, अब मुझे इसे पलटना है, गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे इसको सेकना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेरा ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे निकालूंगी। क्या आप सोचते हैं कि मैं मक्के का ही हर चीज क्यों बनाती हूँ? मैं आगे के उसमें बताऊंगी कि मैं मक्के का चीज क्यों बनाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी बड़ियाँ निकल चुकी हैं। ये देखिए जैसे आम उड़द का बड़ी निकलता है वैसे ये मेरा बड़ी है। और कितना मिनट लगा? 5 मिनट। ये देखिए फटाफट बना के जब भी बच्चों का मन करता है ये बना के आप निकाल सकते हैं। अब मैं दूसरी जो ये बचा हुआ है इसको भी मैं डालूंगी कढ़ाई में। देखिए फटाफट में पानी लगा के आप जितना अच्छे से इसको सेक देंगे इतनी बढ़िया बढ़िया निकलेगी। ये जो मेरी बाकी बड़ी है ये भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो ही रही है। देखिए ये देखिए जो मेरे बाकी बड़े थे वो भी निकल गए हैं, निकाल दे रही हूँ। ये इतने क्रिस्पी हैं कि आप इसके आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और अच्छे हैं। देखिए देखिए कितने टाइट और कितने क्रिस्पी हैं मेरे। अगर आप इसको चाहें तो दही बड़े में ऐसे भिगो के भी खा सकते हैं। ये देखिए मेरी बड़ी कितने अंदर से कितनी सॉफ्ट है, खाइएगा और बताइएगा। देखिए ये जैसे आप दही बड़े खाते हैं वैसे दो दही दो बड़ी ले लीजिए और उसमें दही डाल दीजिए, इसको अच्छे से पूरी तरह से दही में डिबो दीजिए। और ये इमली की चटनी है इसको ऊपर से डाल दीजिए, और ये काला नमक, भुना हुआ जीरा है, काला नमक है, इसको भी आप ऊपर से छिड़क दीजिए।
और आप फ्रेंड्स आप इसको ट्राई करके बताइएगा कैसा लगा आपको मक्के के आटे का दही बड़ा। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।